ये पेडीक्योर टब है और ये ऊपर से इसको हम कवर हटाएंगे और इस तरीके से इसके अंदर देखिए ये 10 रोलर लगे हैं, एक साइड 10 रोलर है, एक साइड 10 रोलर है, इसमें सब 20 रोलर है, एक लाइट है, ये हो गया। और ये देखिए ये के इसका ये दिया है, एक लाइट का दिया है, एक लाइट का बटन है इसमें, एक पावर करके दिया है, टेम्परेचर करके दिया है और ये बबल्स करके दिया है। तो इस तरीके से हमारे 4 इसमें बटन दे दिया है और इसको अब हम लगाएंगे प्लग में। तो प्लग में लगाने से पहले इसमें हम पानी को डाल लेंगे और इसमें देखिए इस साइड ये दिया हुआ है, यहाँ पे मिनिमम दिया है और मैक्सिमम, तो मतलब यहाँ तक का पानी होना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ तक करिए, इसके ऊपर हम पानी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तो आप मिनिमम ही डालिएगा। अगर आपको ज़रूरत लग रहा है कि हमारे पैर अच्छे से डूब नहीं रहे हैं तो फिर हम थोड़ा सा पानी ऊपर बढ़ा देंगे और पूरा एकदम टब को भर के हमें पानी नहीं डालना है। तो इतना तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और अब इसमें हम डालेंगे पानी, पानी डाल के ही हमें इसमें जैसे कि पानी डाल के हमें बोर्ड में प्लग में लगाना है। और ये देखिए इसमें जो यहाँ पे ये जो मिनिमम लिखा हुआ था वहाँ तक के पानी हम डाल दिए हैं, वहाँ तक का मिनिमम तक पानी डाले हैं। उसे तो मिनिमम तक पानी हम डालेंगे तब भी बहुत है, उससे ऊपर हमें पानी को नहीं डालना है। और अब हम लगाएंगे प्लग को और इसे ऑन करेंगे। तो अभी देखिए ऑफ का आ रहा है, अब हम पावर का दबाएंगे, इसमें लाइट आ गई है और हम पावर दबा रहे हैं। टेम्परेचर हम सेट करेंगे 42 दिख रहा है, तो वहाँ तक के हम टेम्परेचर सेट कर दिए हैं। इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे लाइट जला देंगे। अब देखिए इसमें टेम्परेचर हम सेट कर दिए हैं और इसके अंदर भी देखिए लाइट आ गई है। जो हमें जो लाइट का ये बटन दिया इसको हम दबाएंगे तब इसमें, जब ये लाइट का बटन हम दबाएंगे तब जाके इसमें लाइट आएगी। तो और टेम्परेचर देखिए ये एक बार फिर दिखा रहे हैं, 42 पे हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया है ए बबल्स, तो अब हम इसको बबल्स को भी हम दबा रहे हैं। तो ये देखिए आप लोगों के सामने है, तो ये हमारा पानी गर्म भी हो रहा है और इसमें बबल्स भी निकल रहे हैं। तो पेडीक्योर करते समय इसमें बहुत सारे हम प्रोडक्ट डालते हैं तो वो तो हम करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम पेडीक्योर टब को इस्तेमाल करते हैं। और इस डरिए नहीं, इसमें करंट नहीं आता है, देखिए हम हाथ को डाल रहे हैं इसमें करंट नहीं आएगा। और अब देखिए जैसे 32 हो गया है, 42 पे हम इसको ऑन किए थे और 32 पे आ गया है। तो इस तरीके से हमारा पानी भी गर्म हो रहा है और इसमें देखिए बबल्स निकल रहे हैं। जब इसमें हम प्रोडक्ट डालेंगे तो बबल वो हमारे इसमें हम फिर पैर डाल के बैठेंगे और 15 मिनट तक हम अपने पैर को डुबो के रखते हैं। तो इस तरीके से हम पेडीक्योर टब को इस्तेमाल करेंगे। 42 हो चुका है, इतने पे हम टेम्परेचर सेट किए थे, तो अब हम इसे बंद करेंगे और लाइट को भी हम बंद कर रहे हैं। बस हम केवल अपने बबल्स को खोल के रखे हैं जो कि हमारे पैर में मसाज हो। अगर ये पेडीक्योर टब आप लोगों को चाहिए होगा तो इसका लिंक हम आप लोगों को दे देंगे और ये हम ऑनलाइन मंगाए हैं तो आप लोग भी ऑनलाइन मंगा सकती हैं। तो वैसे इसका जो MRP है ये आपका जो है 4000 का है, 4000 कुछ का है, तो आपको ये उससे थोड़े से कम में ही मिलेगा, तो आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए जैसे हमने कि आपको बता दिया कि टेम्परेचर हम 42 पे सेट किए थे, इसका हमें ध्यान देना है। तो ये 42 तक जब हो गया है तो ये पानी एकदम मतलब जितना हमें ज़रूरत है उतना ये गर्म हो चुका है और सारे जो है जो बटन है सब हम बंद कर दिए हैं। बस केवल इसमें जो बबल्स वाले हैं उसको हम खोल के, यहाँ पे ये बबल्स का है तो इसको केवल हम ऑन करके रखे हैं। तो इस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करेंगे और अगले वीडियो में हम आपको पूरा स्टेप के साथ करके दिखाएंगे।